नमस्कार सर साथियों। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग लाइव थे उत्तराखंड से विश्वनाथ जी, मैं बिट्टू एडवाइजर जी के चैनल पे हम लोग लाइव थे, लेकिन उसमें नेटवर्क में काफ़ी समस्या हो रही थी, वॉइस ब्रेक हो रहा था, जिसके वजह से आप लोग जो है हमारा संवाद सुन नहीं पाए। आप लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर आवाज़ नहीं आ रही है, इसके वजह से जो है आप लोग से हम लोग हमारा जो संवाद है वो आप तक नहीं पहुंच पाया है। मुख मुख जो बातें हैं वो आपके संज्ञान में डाल देना चाहते हैं। मैं तो सोच रहा था कि जब हम लोग केस फाइल कर लेंगे तब सीधा आपको खुशखबरी देंगे कि हम लोगों ने केस फाइल कर दिया, लेकिन आपके बीच बड़ा संतोष का भावना है, बड़ा भ्रांतियाँ फैल रही है कि केस कब फाइल होगा, तमाम तरह का जो चीज़ें हैं आपके दिमाग में चल रहा है। तो सभी साथियों को मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, आप उनके संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि ये, क्योंकि मैं चार पांच राज्यों को लेकर चल रहा हूँ और चार पांचों राज्यों का अलग अलग तरीके से वहाँ पे ऑनगोइंग बहालियाँ चल रही है, कुछ फ्रेशर अभ्यर्थी भी हैं। अच्छा, ये तो एक अलग पैरामीटर है, ये तो ड्राफ्टिंग का चीज़ है, वो तो सीधा लिख दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य जो बातें हैं, विश्वनाथ जी जो रिव्यू दायर कर रहे हैं और हमारा जो रीट दायर हो रहा है, ये दोनों को, दोनों जो वकील हैं हमारे, वो दोनों सूझबूझ से कर रहे हैं, दोनों आपस में जो है बातचीत करके समय में बैठा के चाहते हैं कि सारा कुछ तरीके से हो। और जो है उसमें बहुत, देखिए आपको हम बताना चाहते हैं, मैं अभी लाइव में भी ये बात बोला था कि हम लोग हारा हुआ केस को लेके जा रहे हैं, बड़ा बारीक छोटी छोटी पॉइंट, छोटे छोटे सब बिंदु पर हम लोग जो है डिस्कस करते हैं, इसका पॉजिटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव क्या होगा, ये सारी मुद्दा को हम लोग जो है बारीकी से देखते हैं। अच्छा, रिव्यू में जो बातें लिखी होगी वो रीट में नहीं लिखी होनी चाहिए, और जो रीट में जो बातें हो, जो 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 लिखा होगा वो रिव्यू में नहीं होगा। दोनों, हालांकि मामला सिमिलर है, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन हम लोग जो है दोनों को जो है ऐसा बैलेंस करके चल रहे हैं कि भाई दोनों में अलग अलग बातें मेंशन हो, ताकि जो है जज साहब को लगे कि नहीं सब नया बात लेके यहाँ पे हमारे पास आया है। अच्छा, जो उत्तराखंड में बहस हुआ था, उत्तराखंड का जो सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुआ था, जो सुनवाई हुई थी, वो बातें दोबारा हमको दोहराना नहीं है। आप समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हो चुकी है वो मुझे रीट में लिखना नहीं है, जो रिव्यू में जो बातें लिखी हुई है वो रीट में मेंशन नहीं करना है, जो रीट में बातें लिखी हुई है वो रिव्यू में मेंशन नहीं करना। तो बड़ा जो आपस में जो है ना नया, आप सीधा समझिए ना कि नया माननीय न्यायालय के पास नया नया शब्दों का, नया नया चीज़ों का जो है अवलोकन करके हमको उनके संज्ञान में अब नया नया तरीके से डालना है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कितना बारीकी मेहनत लगता होगा, पूरा दिन में ड्राफ्टिंग होता है, शाम में उसमें जो है 5 लाइन काटना पड़ता है, फिर से कोई नया थॉट आता है तो उसमें लिखा जाता है। आप एक गाय पे लेख लिखते हैं तो आपको पर्याप्त समय चाहिए कि इसमें कितना अच्छा से लिखें कि भाई ये थोड़ा सा जो है बेहतर हो। ये तो पूरा ड्राफ्टिंग हो रहा है, वो भी हारा हुआ मामला, समझ रहे हैं बात को। इसमें सर 2 घंटा 2.5 घंटा सुबह हम लोग का बर्बाद होता है वकील साहब से मीटिंग करने में, शाम में बर्बाद होता है, फोन कॉल पे लगातार हम लोग लगे रहते हैं, वो बताते हैं कि सर ये इसमें ये हुआ, हम बताते हैं कि नहीं सर इसमें ये नहीं, ये करना है, फिर वकील साहब का कहना होता है कि नहीं इसमें ये जोड़ जोड़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, पूरा हमारा टीम पूरा उस पर चर्चा करता है। तो आप लोग जो है थोड़ा धैर्य बना के रखिए, हमको कोई हावड़ी नहीं है कि तुरंत केस 2 दिन में दायर हो जाए, 1 हफ्ता लेट होगा होगा, हम सर बार बार बोलते हैं कि केस जीतने के लिए जा रहे हैं, केस हारने के लिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो आप जितने भी साथी हैं बिना मतलब के परेशान ना हो, हम लोग अगले हफ्ते मंडे टू फ्राइडे हम लोग प्रयास करेंगे कि रिट दायर हो जाए। अभी जो है आज पूरा रिव्यू का काम कंप्लीट हो गया है, रिव्यू में जितना भी हम लोग रिव्यू में लगे हुए थे कि रिव्यू, क्योंकि रिव्यू में भी
जो है हमारे वकील और विश्वनाथ जी के वकील दोनों मिल के काम कर रहे हैं, दोनों का सीनियर जो है सारा ड्राफ्टिंग चेक करेगा। फाइनली आज हो गया है और कल या परसों जब अब तो हो गया है तो 1 या 2 दिन में वो रिव्यू दायर हो जाएगा। फिर रीट का काम चल रहा है, उस पर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, वो भी अगले हफ्ते में मंडे टू फ्राइडे मैं समझता हूँ कि दायर हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति हड़बड़ाए नहीं, हम प्रेशर दे दें और वकील साहब दायर को क्या, उनको तो पैसा लेना है, दायर करना है, केस लड़ना, हारेंगे तो हम ना भुक्तभोगी होंगे, हारेगा तो पूरा देश ना, उनको क्या है, वो तो भाई कहेंगे कि यार आपने तो जल्दी जल्दी में आप कहे थे, इसमें चूक हो गई तो हम क्या करें, क्योंकि उनके पास तो हजारों केस है हमारे जैसा, हमारे लिए वही जिंदगी है। तो आप लोग जितने भी साथी हैं धैर्य पूर्वक आप बने रहें और लगातार हमारा काम चल रहा है। अभी वेस्ट बंगाल में सारे मकदनामा पे साइन हो गया है, मैं समझता हूँ कि कल या परसों हमको मिल जाएगा वो सारा, उधर भी काम हो रहा है, बिहार में भी जितना भी जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो अभी तक जुड़ रहे हैं। अच्छा एक और बात, संडे को हम लोग कई लोगों का कहना है कि सर गांधी मैदान में अब मीटिंग होगा क्या, अब किसी तरह का कोई मीटिंग नहीं होगा, ना हमारे पास समय है और ना अब हम हमें सिर्फ केस पे फोकस करना है, और आपको जुड़ना है तो ऑनलाइन के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, नंबर नीचे डिस्प्ले पे किया किया जाएगा, वो भी एक लिमिट समय है जब हमारा सारा ड्राफ्टिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो नाम पीछे से जोड़ना होता है, तो अंतिम दिन तक हम जोड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अलग से कोई मीटिंग नहीं हम लोग रखने जा रहे हैं, हम लोग केस जो है अब उस पर काम कर रहे हैं। जैसे ही हमारा पूरा जो है निचोड़, आपको एक बात बताया था, देखिए सर आज लो आज आजकल हमारा पूरा टीम थोड़ा खुश रह रहा है, इसलिए कि जब आप वकील से बात करते हैं, बड़े वकील से बात करते हैं, तो ऊर्जा का जो जो प्रवाह है ना शरीर में थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए क्योंकि जो विद्वान जो वकील होते हैं ना, उनका जो तर्क होता है, उनका जो बात होता है, वो कहते हैं कि आप यहाँ यहाँ चूक किए हैं, यहाँ यहाँ चीज़ों को रखते, तो जो जजमेंट आया है आपस में ही जो है उनका ही जजमेंट और विवाद क्रिएट कर रहा है, उनका आपस में ही जो समस्या क्रिएट कर रहा है। मैं ये सब सारी बातों को लेके वहां पे जाऊंगा, सारी बातों को उनके संज्ञान में डालूंगा, और मैं समझता हूं कि निश्चित 100% उन्होंने भरोसा दिलाया है कि आप निश्चित विजय होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो केस में स्टडी करने के बाद कोई भी बड़ा वकील यह कहता नहीं है कि आप जीतेंगे कि हारेंगे, लेकिन जो आत्मविश्वास हम देख रहे हैं, जो सर का जो है जो बोलने का टोन है, जो लहजा है, उसे लगता है कि नहीं हम लोग जो है निश्चित विजय होंगे, और क्योंकि चूक हुई है जजमेंट लिखने में, यह बात जो है माननीय जज साहब के संज्ञान में डाला जाएगा, उनको उनको कंफ्यूजन हुआ है, वो कंफ्यूजन हम लोग सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकील के साथ। अच्छा कई लोगों का कहना है कि सर हम आपको वादा दिला दिलाते हैं कि भाई हम छोटे वकील से सुनवाई नहीं कराते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, मना कर देंगे, हमसे नहीं हो पाएगा जी, हम केस हारने के लिए नहीं जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। सर मैं बार बार सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूँ, यदि हमारे पास अभी तो कपिल सिब्बल सर को तो हम लोग रखेंगे ही, यदि आपका सहयोग और बेहतर रहा, आप लोग अच्छे से हमारा समर्थन दिए और हमसे सहयोग लिए, तो हो सकता है कि हाँ और हम एक और वकील उन्हीं का समकक्ष का हम लोग ऐड करना चाहेंगे कि भाई 2 लोग रहें तो और बेहतर से सारा कुछ होगा। तो आप लोग धैर्य बना के रखें, किसी तरह का कोई भी मन जो है उदास नहीं करना है, और जितने भी हमारे बिहार के अभ्यर्थी हैं या वेस्ट बंगाल के हैं या उड़ीसा के हैं या आसाम के हैं, जितने भी या छत्तीसगढ़ जो भी हमसे जुड़े हैं, मैं आपको वादा दिलाता हूं कि हम लोग विजय होकर लौटेंगे, और आपका जो बहाली जो चल रहा है पूरे देश में ऑनगोइंग प्रक्रिया है, और आपको वंचित रखा गया है, आपको सभी लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगी, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। जब हम केस जीतेंगे तो निश्चित हमको जो है आपका पटिशनर में नाम रहेगा, जब भी जीते 6 महीने में जीते, 9 महीने में जीते, 2 महीने में जीते, 1 महीने में जीते, जब जीते वो सूची बन के आपका आएगा, और आपकी राज्य सरकार आपको यदि नियुक्ति पत्र देना है तो नियुक्ति पत्र, बिहार में सिर्फ नियुक्ति पत्र देना है, नियुक्ति पत्र मिलेगा, TRE 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो भी है उनका, आसाम में भी
बहाली जो है रुक गई है, तो उनकी उनको आवेदन लिया जाएगा। उड़ीसा में नियुक्ति पत्र मिलना है तो उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा, वेस्ट बंगाल में नियुक्ति पत्र मिलना है तो वहां नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो आप लोग जो है धैर्य बना के रखें और हमें सहयोग करें, हमें जो है पॉजिटिव एनर्जी दें और ईश्वर से कामना करें कि हम लोग इस मामले में हम लोग जा रहे हैं, हम लोग विजय हों। मैं पूरा भरोसा के साथ कहता हूँ कि हम लोग विजय होंगे और बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। बहुत जल्द आप जब बहस होगी, जब ड्राफ्टिंग हमारा कंप्लीट होगा तो पब्लिक डोमेन में होगा, आप देखेंगे क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। और जब बहस होगा, विद्वान जब वकील जब वहाँ बहस करेंगे तो बड़ा प्रसन्नता आपको होगी, बड़ा खुशी होगा कि नहीं भाई जो हम कहना चाहते हैं हमारा वहाँ वकील का कह रहा है और माननीय जज साहब कन्विंस भी हो रहे हैं। तो सभी साथियों से यही निवेदन है कि आप लोग जो है धैर्य बनाए रखें, हम लोग बेहतर तरीके से बेहतर तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मामला को हम लोग जो है किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में, ना का तो कोई सवाल नहीं है, किसी भी हाल में हम लोग जीतने का प्रयास करेंगे। चारों तरफ से परपंच करके चारों दिशाओं में दो प्लान हमेशा रख के ए और बी, उस तरह से काम किया जा रहा है कि प्लान ए गड़बड़ हुआ तो प्लान बी हमारा सक्सेस हो, और अनसक्सेस होने का कोई बात ही नहीं है। डिग्री कराइए सरकार, हमारी इनवैलिड कैसे हो जाएगा। सरकार लेवल से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हालांकि बिहार में आपको तो पता ही है कि सरकार उलट पुलट होने का जो जो खेला चल रहा है, तो उससे थोड़ा सा हमारा मामला शिथिल हुआ है, नहीं तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म पे हम लोग चल रहे थे, जो है हम लोग लगातार जो है सांसदों को कन्विंस कर रहे थे। हालांकि लोग उलझन में हैं और मैं समझता हूँ कि सरकार भी संज्ञान लेगी, लेकिन कब लेगी भगवान जाने। हमको न्यायालय से काम करना है और न्यायालय से ही हमको विजय लेना है, जहाँ से हमको समस्या हुई है वहीं से समाधान मिलेगा। तो जितने भी हमारे साथी हैं सब बस ईश्वर से कृपा कीजिए, दुआ कीजिए, हम लोग बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करेंगे, मतलब बहुत जल्द कि अगले हफ्ते, और हम लोग विजय भी होंगे। बहुत बहुत सभी साथी को धन्यवाद, शुभ रात्रि।